हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कोर्सेज की और ऐसी अपॉर्चुनिटीज की जो कि यूके के अंदर सबसे अफोर्डेबल है, येट हाईएस्ट पेइंग है। आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पे अगर आप एजुकेशन करते हैं तो उसका मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है जब आप मास्टर्स कोर्सेज करने यूके जा रहे हैं या फिर बैचलर्स कोर्स करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन होना चाहिए फ्रेंड्स, वो आपका ये होना चाहिए कि क्या आपको वहाँ सेटल होना है या वापस आपको इंडिया आके या आपकी होम कंट्री आके यहाँ पे आपका बिजनेस करना है या जो भी आप जॉब वगैरह करना चाहते हैं वो करनी है। अगर आपको वहाँ सेटल होना है तो आपका बिल्कुल अलग तरीके से आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, अलग आपका तरीका रहना चाहिए कोर्स सेलेक्ट करने का। लेकिन अगर आपको वापस आना है तो फिर चीज़ें अलग हो जाती हैं। कैसे हम इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस करेंगे उसके बारे में ये वीडियो है, तो एंड तक जरूर देखें। लेकिन हम आपके लिए कंटिन्यू वीडियोस बना रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक करें। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो कि अगर आपको वापस इंडिया आना है तो आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, इंडिया के अंदर आपको यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है आपकी, जहाँ से आप पढ़ के आए हैं अब्रॉड से, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो आप यूनिवर्सिटी की रैंक चेक करें और साथ ही साथ आप ये देखें कि वो जो मास्टर्स डिग्री है वो इंडिया में वैलिड है या नहीं। यूएस वर्ल्ड रैंकिंग पे जाके आप चेक कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंक आपको वहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप, जैसे हम बात करें यूके की, अगर आप यूके में सेटल होना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपकी जो डिग्री है वो विद प्लेसमेंट है विदाउट प्लेसमेंट है। उसको करने के बाद आप कितने टाइम तक यूके में जॉब कर सकते हैं, क्या उसके साथ साथ आपको उसकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या रहती हैं और प्लेसमेंट जो है वो कितने का आपको मिल सकता है, इसके बारे में हमने एक पुराना वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर हमने तीन जो कोर्सेज हैं वो बताए थे और सबसे ज़्यादा सैलरी किस में है, क्या उनके एंट्री क्राइटेरियाज है, उसके बारे में बताया था। आप आई बेल पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको वो पुराना वीडियो हमारा मिल जाएगा यूके से रिलेटेड। ये वीडियो स्पेशली हमने आपके लिए इसलिए बनाया फ्रेंड्स कि सितंबर इनटेक जो है उसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यूके जाना चाहते हैं और सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि कौन सा कोर्स हम करें और या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी हम लें। तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब्स के लिए देख रहे हैं या अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देख रहे हैं यूके के अंदर, तो आपको एक चीज़ क्लियर करनी है कि आपको लंदन के अंदर एडमिशन लेना होगा। लंदन के अंदर सबसे ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल है और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल है। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ लंदन में, यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सारी है लंदन में, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन, वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, करीब करीब 10 से 15 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लंदन के अंदर हैं, या अगर लंदन में नहीं है तो उनका एक कैंपस जो है लंदन में आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे कोवेंट्री यूनिवर्सिटी कोवेंट्री की है बट लंदन में उन्होंने कैंपस डाल रखा है। नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी लंदन के अंदर कैंपस डाल रखा है। तो लंदन में जब आप एजुकेशन करने जा रहे हैं तो सबसे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अभी आपके पास है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में। उसका रीज़न है, उसके दो रीज़न्स हैं। सबसे पहली चीज़, सबसे अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है, और दूसरी चीज़ कि आपको हर कोर्स विद प्लेसमेंट इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट के साथ मिल रहा है। 10,700 के आसपास मास्टर्स की फ़ीस है और साथ में अगर आप इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट लेते हो तो उसका एडिशनल चार्ज आपको देना होता है। सेप्टेम्बर के लिए अभी एप्लीकेशन ओपन है फ्रेंड्स, और UEL जो है सबसे जल्दी फिल होने वाली यूनिवर्सिटी है। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में एप्लीकेशन करनी है तो अप्रैल से पहले पहले आप अपनी एप्लीकेशन करके ऑफर लेटर ले लें और फीस डिपॉजिट कर दें। अभी जनवरी इनटेक के अंदर यूनिवर्सिटी ने 15th of November के बाद में पेमेंट्स लेनी बंद कर दी थी, तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है यूके के अंदर। और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में अगर आपको एप्लीकेशन करनी है, एप्लीकेशन 01@meridian.org पे आप अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं या फिर हमें टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमें आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो भी आपको क्वेरीज है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है आपको, जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन की। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में आप डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं और अगर आपको उसमें हेल्प चाहिए तो आप हमें एज ए कंसल्टेंट चूज़ कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हम आपको देना चाहते थे यूके के बारे में। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, हमारे ऑफिस आप विजिट कर सकते हैं, जयपुर, लखनऊ और पुणे, तीन जगह पर हमारे सेंटर्स हैं, यहाँ पर आप आके विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर मुझसे मिलना है तो आप जयपुर ऑफिस आके हमसे मिल सकते हैं। Thank you so much friends. Once again, please like, share and subscribe. Thank you so much.